हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके मेरे चैनल फिल्मी बॉक्स ऑफिस पर। तो बात करेंगे आज इस वीडियो में हाल फिलहाल रिलीज हुई फिल्म गंगूबाई काठियावाड़ी को लेकर। चूंकि कहने को आप ये कह सकते हो बायोपिक है मुंबई की लेडी माफिया गंगूबाई की। फिल्म को जो ज़बरदस्त रिस्पॉन्स मिल रहा है वो काबिले तारीफ है। तो बस ऐसे में जानने वाले हैं फिल्म के कलेक्शन की रिपोर्ट कि इस फिल्म को इंडिया में जो रिस्पॉन्स मिल रहा है वो मिल रहा है, ओवरसीज मार्केट में इसको क्या रिस्पॉन्स मिल रहा है, उस चीज़ को लेकर जानने वाले हैं आज इस वीडियो में। अगर आप भी डाई हार्ट फैन हो गंगूबाई के या फिर आलिया भट्ट के या फिर उनके डायरेक्टर संजय लीला भंसाली के तो वीडियो को कंटिन्यू कर सकते हो, अदरवाइज आप अभी स्किप कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। वेल, वीडियो कंटिन्यू करते हैं। बात करें फिल्म को लेकर, फिल्म का बजट मैक्सिमम 70 करोड़ के आसपास है कम से कम इसका बजट, लेकिन जो इसने कलेक्शन किया है ना महज 4 दिनों के अंदर अनबिलीवेबल। आपको यकीन नहीं होगा इसने इतना अच्छा कलेक्शन किया है। और ये फिल्म आलिया भट्ट के कलेक्शन बोले तो करियर की हायर ग्रोसर फिल्म बनने जा रही है, इन शॉर्ट जिसमें कि उन्होंने खुद ने अकेले में फीमेल लीड में और बोलते ना मेन रोल प्ले किया है। अदरवाइज वो किसी न किसी एक्टर के सपोर्ट में तो नज़र आती है, लेकिन इसमें जो तो मेन किरदार खुद आलिया का है तो इसलिए उनके लिए मेन कहा जा रहा है। वेल, राजी के कंपेरिजन में ये फिल्म काफ़ी हाई है और इस फिल्म ने आपको यकीन नहीं होगा 2.75 मिलियन US डॉलर का कलेक्शन किया है ओवरसीज मार्केट में, क्योंकि इंडियन करेंसी में होता है लगभग 20 करोड़ 75 लाख रुपये। यानी कि फिल्म महज 4 दिनों के अंदर 20 करोड़ प्लस का कलेक्शन कर चुकी है ओवरसीज मार्केट से। और इतना ही नहीं, इंडिया के अंदर इसको इसका जो कलेक्शन हुआ है वो लगभग 50 करोड़ के आसपास हो चुका है ऑल ओवर, यानी कि वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस से। तो अपने आप में बहुत बड़ी बात है कि इस फिल्म ने 4 दिनों के अंदर अंदर 50 करोड़ का कलेक्शन कर लिया और इसका जो रिजल्ट है वो मैक्सिमम 70 करोड़ है। तो ये फिल्म अपने फर्स्ट वीकेंड में बहुत आसानी से रिकवर कर लेगी। आपकी ओपिनियन क्या है गंगूबाई काठियावाड़ी को लेकर, क्या आपने फिल्म देखी? अगर मैं अपनी बात करूँ, फिल्म काफ़ी अमेजिंग है, अंडरस्टैंडिंग है, अंडरस्टेबल है, क्योंकि सिर्फ जो सॉन्ग्स निकल के आए वो काफ़ी बेहतरीन थे, ट्रेलर बहुत ही बढ़िया था। आपकी ओपिनियन क्या है फिल्म को लेकर कमेंट में मेंशन कीजिएगा। और वीडियो आपको पसंद आई हो लाइक करना, शेयर करना, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग, बाय बाय, टेक केयर।